الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سورہ فجر کی سورہ عاشیہ کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کی مختصر تشریح پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم اور جنت کے مناظر بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان یہاں دنیا ہی میں ان مناظر سے واقفیت حاصل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور جنت کی طرف رغبت اور شوق پیدا کرے تو سورت کے شروع میں تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور تھکن سے چور ہوں گے اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور ان کو کھانے کی کوئی اور چیز نہیں ان کے لیے میسر ہوگی سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے جن سے نہ ان کو ان کے وزن میں کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی تقویت حاصل ہوگی اور نہ اس سے بھوک مٹے گی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے یہ آیتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابل جنتیوں کے حالات بیان کیے
फरमाया वजूह यूं मैदिन नाइबा, उस रोज कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि जो तरोताजा होंगे, बारौनक होंगे, उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों की मसर्रत उनसे फूटी पड़ रही होगी। कुरान करीम ने यह बात मुतअद्दिद जगह पर बयान फरमाई है कि जन्नत में जब अल्लाह का बंदा पहुंच जाएगा, अल्लाह ताला हम सबको अपने रहमत से पहुंचा दे, तो उनके चेहरों से खुशी फूट रही होगी। एक जगह कुरान करीम ने उसके लिए इस्तेमाल फरमाया यहबरून, यह अरबी जबान में इस बात को कहा जाता है कि किसी शख्स को इतनी खुशी हासिल हो, इतनी मसर्रत मिले, इतना लुत्फ आए कि उसके चेहरे से फूट रहा हो, वो लुत्फ, वो मजा, वो कैफियत उसके चेहरे से फूट रही हो। और एक और जगह फरमाया कि वो तारीफ ही वजूहुहुम नवरतन नाइम, जन्नतियों के चेहरों पर तुम नेमत की शादाबी पहचान लोगे, यानी दूर से पता चल जाएगा कि ये आदमी बड़े ऐशो आराम में है, बड़ी मसर्रत में है, बड़ी राहत में है, उसके चेहरे ही से वो चीजें उबल रही हो। तो हकीकी मसर्रत तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से हमें आता फरमाए तो वो जन्नत ही की मसर्रत है। दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें इंसान को मैसर आती हैं, जो कोई लुत्फ की कोई मजा आता है, कोई लुत्फ आता है, कोई राहत मिलती है, यहां वो राहत कामिल होती ही नहीं, कामिल नहीं होती कोई राहत, क्योंकि हर राहत के साथ किसी ना किसी अंदेशे का कांटा चुभा होता है। आदमी फर्ज करो खाना खा रहा है और बड़ा लजीज खाना है, मजा भी आ रहा है, लज्जत तो मिल रही है, लेकिन साथ ही शौरी या गैर शौरी तौर पर इंसान के दिल में यह अंदेशा होता है कि ज्यादा खा लूंगा तो कहीं बदल भी ना हो जाए और पेट खराब ना हो जाए। यह अंदेशा अंदर छुपा हुआ है, उस अंदेशे के छुपा होने की वजह से उसकी लज्जत कामिल नहीं होती, उसकी राहत कामिल नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में, अच्छा दूसरे ये कि इस राहत में जो इंसान लज्जत हासिल कर रहा है, खाने की लज्जत हासिल कर रहा है, तो ये भी एक बात तय है कि एक लम्हे के एक हद पे जाने के बाद वही चीज जिसकी तरफ इतनी रगबत हो रही थी अब उसे नफरत होने लगी, ज्यादा खा लिया तो उसे रगबत के बजाय अब नफरत होने लगी। नतीजा ये कि यहां कोई भी राहत कोई मजा कामिल नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला जो वहां पर नेमतें अता फरमाएंगे उसमें कोई खटका नहीं। एक अजीब बात जो कुरान करीम ने बार बार जिक्र की है वो यह है कि जन्नत वालों को ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको खौफ होगा आइंदा का कि ये हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई खौफ नहीं किसी भी चीज का। वला हुम यहज़नून, ना उनको कोई गम होगा। गम होता है किसी माजी के वाकये के ऊपर, तो पहले कोई वाकया ऐसा आ गया जिससे इंसान गमजदा हो गया, तो वहां गम भी नहीं किसी पिछले वाकये का, क्योंकि अगर दुनिया में थोड़ी बहुत कोई तकलीफें उठाई भी थी उनका गम भी हुआ था वहां दुनिया के अंदर, वहां जाकर तो उसका एहसास ही मिट जाएगा। बाद रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसे शख्स को लाएंगे कि जिसने दुनिया में कभी कोई मजा नहीं चखा, मुसीबतों में जिंदगी गुजरी, उसको बुलाएंगे और फरिश्तों से कहेंगे कि जरा इसको एक चक्कर जन्नत का लगा के ले आओ। वो जन्नत का चक्कर लगाएंगे, लगाकर लाएंगे, उससे पूछेंगे भाई कैसी गुजरी,
प्रभा जी मेरी सारी जिंदगी मुझे राहत तो आराम में गुजरी है, कोई तकलीफ नहीं, कोई सदमा नहीं, कोई गम नहीं, आराम से गुजरा। तो जो गम दुनिया के अंदर उठाए थे या जो तकलीफें यहां पर सही थी, जन्नत में जाकर उनका एहसास ही मिट जाएगा, ला यहज़रून, कोई गम नहीं होगा। और दूसरी चीज कि आइंदा के लिए अंदेशा होता है, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको दुनिया में कोई ना कोई अंदेशा ना लगा हुआ हो, कोई ना कोई अंदेशा लगा रहता है, मुलाजमत कर रहा हूं मुलाजमत छूट ना जाए, ये जो मैं रोजी हासिल हो रही है कहीं किसी तरह से बंद ना हो जाए, सेहतमंद हूं कहीं बीमार ना हो जाऊं, वगैरह वगैरह। कोई भी इंसान किसी अंदेशे से कभी खाली नहीं होता, लेकिन वहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई अंदेशा नहीं, ला खौफ ना ले, कोई खौफ नहीं, अब आराम से रहो, ना तुमसे ये नेमतें छिनेंगी, ना तुम्हें मौत आएगी, ना इनमें से कोई नेमत तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस बनेगी। लिहाजा जो अगर खाने को दिया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से फरमाया लहुम मा यश्तहून, जो चाहेंगे खाने को भी मिलेगा पीने को भी मिलेगा, तो लहुम मा यश्तहून, जो चाहेंगे मिलेगा। तो वो जो मिलेगा उसके बारे में यह है कि उसकी लज्जत खत्म नहीं होगी, जितना भी खा लो लज्जत खत्म नहीं होगी, यह अंदेशा नहीं कि बीमार हो जाएंगे, बीमारी का तसव्वुर ही नहीं, यह है नेमत। तो जब वो नेमतें हासिल होंगी, ऐसी नेमतें जिनमें ना खौफ है ना गम है ना किसी तकलीफ का कोई कांटा उसमें लगा हुआ है, वो जब नेमत हासिल होंगी तो चेहरे खिल उठेंगे, चेहरों के अंदर चेहरों के ऊपर सादा भी आ जाएगी, तरोताजा चेहरे होंगे, देखकर आदमी पहचान लेगा कि ये शख्स बड़ी ऐशो आराम में, तारीफ भी वजू ही नजरतन नाई, इसको कुरान के भ्रमरा वजू हुई यौम दिन नाई, चेहरे उस दिन यानी जन्नतियों के चेहरे कैसे होंगे, नाइमा तरोताजा शादाब, नेमतों से नेमतों की मसरत से भरपूर, ऐसे नेमत ऐसे चेहरे होंगे। लिसा यहां राजिया, और जो कुछ काम दुनिया में किया था उसकी वजह से खुश दर खुश होंगे, कि दुनिया में अगर कुछ मेहनत की थी इबादत में की थी, सोने को दिल चाह रहा था मगर नमाज के लिए उठ गए थे, तकलीफ हुई थी थोड़ी सी मशक्कत उठानी पड़ी थी, या किसी गुनाह को दिल चाह रहा था लेकिन अपने ऊपर जबरदस्ती करके रुक गए थे, उससे जो तकलीफ हुई थी थोड़ी बहुत जो तकलीफ दुनिया में उठाई थी उसकी वजह से राजिया, अब खुश बखुश होंगे के जो थोड़ी बहुत मेहनत की थी उसका ऐसा फल मिला, ऐसा फल मिला कि उसके तसव्वुर भी नहीं था। लिसा यहा राजिया, अपने कामों में अपने कामों की वजह से खुश होंगे, और खुश होने की जगह उसको दूसरी जगह सूरह कारिया में फरमाए बहुआ फिर ईशत राजिया, कि वो मनपसंद जिंदगी में होंगे, यानी हर वो चीज जो पसंद हो वो मिलेगी, और इसमें कोई भी खटक नहीं होगी। सही बुखारी में हदीस आती है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब किराम के सामने जन्नत का जिक्र फरमा रहे थे, और उसमें आपने जिक्र फरमाया कि जो चाहेगा इंसान जो नेमत भी चाहेगा उसको मिलेगी, तो फिर आपने एक वाक्या सुनाया कि जन्नत में एक आदमी जाएगा जो किसान होगा, काश्तकारी करता, तो जब वहां पहुंचेगा अलमिया सारी नेमतें उसको देंगे, खाने की पीने की आराम दे घर हर वगैरह वगैरह वगैरह, तो बाद में कहेगा लम्हे से कि या अल्लाह मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं खेती उगाऊं, दुनिया में खेती किया करता था, खेत उगाता था, तो वहां पर
भी जाकर तमन्ना करेगा कि मेरा दिल चाह रहा है कि खेती उगाऊं। तो अल्लाह ताला कहेंगे खुदा के बंदे जितनी नेमतें तुझे दे रखी हैं फिर भी तुझे खेती उगाने की ज़रूरत है, तो मगर वो क्या कहे जी वो क्या करूँ दिल चाह रहा है। कहा कि अच्छा चल ये बीज डाल जमीन के अंदर और खेती होगा। तो वो बीज डालेगा जमीन में और जमीन में बीज डालते ही वो खेती उगनी शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर के अंदर देखते ही देखते वो पक बड़ी हो जाएगी, देखते ही देखते पक जाएगी और उसके अंदर सब जो कुछ वो पैदा हुआ करता है वो सब पैदा हो जाएगा और उसको कटाई का विवक्त उसका फौरन आ जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ले ये खेती भी ले ले और फरमाएंगे कि है आदम के बेटे तेरा पेट किसी और चीज से नहीं किसी चीज से नहीं भर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला जो चाहेगा बंदा वो मिलेगा उसको। तो लिसा यहां राजिया अपने जो कोशिश दुनिया में की थी उसकी बिना पर राजी होगा खुश बखुश होगा। फी जन्नत आलिया और एक आलिशान बाग में होगा। यहां इतनी बात बताइए कि वो बाग जिसके अंदर होगा यानी जन्नत, जन्नत के बाद लफ्जी माना बाग के होते हैं, तो जन्नत के बाग में होगा वो आलिया यानी वो बुलंद होगा, बुलंद होगा वो। और दूसरी जगह फरमाया कि तजरी मिन तहतिहा अलअनहार उसके नीचे से दरिया बहते होंगे। ऐसे बाग का तसव्वुर करो जिसमें बाग में तुम्हारा घर बना हुआ हो आलिशान और चारों तरफ सब्जा हो, चारों तरफ बागात हो, उसमें दरख्त उग रहे हो फलदार दरख्त और जिसके अंदर कुरान करीम फरमाता है कि उसके फल झुके हुए होंगे कि जब चाहो तोड़ के खा लो और नीचे दरिया बहते होंगे तजरीब ताकते अलर। हाँ और सबसे बड़ी बात है कि खालिदी रफिया इन बागात में हमेशा हमेशा रहोगे, कभी कोई निकालेगा नहीं तुमने। तो फिर जन्नत नहाली उस आलिशान बाग में होंगे। ला तस्मा फीहा लागिया और उन जन्नत में वो कोई लघु बात नहीं सुनेंगे, बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। ये अजीब सूरत बयान फरमाई है जन्नत की कि वहां की एक नेमतों में से एक नेमत यह है कि कोई बेहुदा कलेमा बेहुदा बात इंसान के कान में नहीं पड़ेगा। यहां दुनिया के अंदर जब बैठते हैं तो पता नहीं कितनी बेहुदा बातें होती हैं, कभी गाली गलौच हो गई, कभी मार पिटाई हो गई, कभी गीबत हो गई, कभी बोहतान लगा दिया, कभी इल्जाम लगा दिया, पता नहीं क्या क्या जबान चलती रहती है। कुरान करीम फरमाता है कि वहां किसी भी जन्नती के मुंह पर उसकी जबान पर कोई लघु बात आएगी ही नहीं, कोई बेहुदा बात आएगी नहीं। जो कुछ बात होगी वो ढंग की होगी, कायदे की होगी, खुशी की होगी, मसरत की होगी, लुत्फ की होगी, जिससे लुत्फ आए सुनने वाले को भी, लेकिन बेहुदा बातें वो नहीं होंगी। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने यह सबक भी दे दिया कि दुनिया में भी रहते हुए इस बात का ख्याल करो कि तुम्हारे मुंह से कोई लघु और बेहुदा बात ना निकले जिसका कोई मकसद ना हो, जिसका कोई फायदा ना हो। ऐसी बात जबान से निकालना यह खामखा अपनी मंजिल खोटी करना है। तो बेहुदा बात में सब चीजें दाखिल है, झूठ उसमें दाखिल है, गीबत उसमें दाखिल है, दिल आजारी के कलिमात उसमें दाखिल है। ये सारी बातें जो हैं ये सब अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में इन चीजों से खाली कर देंगे अहले जन्नत। ला तस्मा फीहा लागिया फिर फरमाया फीहा आयनुन जारिया उस जन्नत में बहते हुए चश्मे होंगे, बहते हुए चश्मे होंगे। कहीं फरमाया दरिया होंगे, एक तो दरिया का जिक्र है अनहार तजरी मिन तहतिहा अलअनहार नहरें दरिया और एक चश्मों का जिक्र है जमीन से उबलते हुए चश्मे फीमा आयनान नज़ाखतान कुरान करीम में जमीन से उबलते हुए चश्मे। तो
दरिया बहते हुए दरिया का लुत्फ और है और जमीन से उबलते हुए चश्मे का लुत्फ और है। तो अल्लाह ताला वो सारी चीजें अता फरमाएंगे। दरिया चाहते हो दरिया ले लो, बहता हुआ चश्मा चाहते हो बहता हुआ चश्मा ले लो, उबलता हुआ चश्मा चाहते हो तो उबलता हुआ चश्मा ले लो। आयनुन जारी फिया आयनुन जारी फिहा सुरुहुम मरफूआ, और उसमें ऊंची ऊंची नशिस्तें होंगी, ऊंची ऊंची नशिस्तें होंगी। यानी बतलाया जा रहा है कि ऐसी जगह जब नशिस्त ऊंची जगह होती है तो मंजर सारा सामने होता है, अगर नशिस्त नीचे हो तो मंजर थोड़ी देर तक का नजर आएगा, उससे पीछे का नजर नहीं आएगा। लेकिन वहां की जो नशिस्तें हैं वो बुलंद हैं, इस माना में कि जब बैठेगा तो आदमी क्या पूरे जन्नत का नजारा उसके सामने होगा। फीहा सुरुरुम मरफूआ वअक्वाबुम मौज़ूआ, और गिलास प्याले वो सामने तरीके से सलीके से रखे होंगे। यानी अगर पानी पीने की जरूरत पेश आई है तो गिलास तलाश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहीं अपने सामने हर एक आदमी के सामने वो गिलास रखा हुआ है, वो अगर चाहे तो उठाकर पी ले। अक्वाब मौजूद है। और यहीं से हजरत मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जो कुरान करीम में फरमाया कि प्याले सामने रखे होंगे या गिलास सामने रखे होंगे, तो इससे ये सबक दिया कि जो इस्तेमाल की चीजें होती हैं उनको करीने से रखना ये दीन का तकाजा है कि सलीके से रखा जाए। ये भी हो सकता है ना कि अलर्ट अप गिलास कहीं रखे हुए हैं और जाओ जाके वहां से ढूंढते रहो निकालते रहो, नहीं नहीं, कुरान कहता है कि अक्वाब मौज़ू आसान में रखे होंगे। तो बताया जा रहा है कि दुनिया के अंदर भी आदमी को ये चाहिए कि जो मुश्तरक इस्तेमाल की चीजें होती हैं उनकी जो जगह मुकर्रर है उसी जगह पर उसको रखा जाए ताकि दूसरे आदमी को तलाश करने की दुश्वारी ना हो। ये बहुत इस मामले में गफलत होती है, लोग इसका ख्याल नहीं करते। जो मुश्तरक इस्तेमाल की चीज है वो एक जगह रखी हुई है, कोई आया उसने उठाया इस्तेमाल किया और किसी दूसरी जगह ले जाकर रख दी। अब दूसरा आदमी जब आके तलाश करेगा उसको जगह पर नहीं मिलेगी, यह आपको तकलीफ पहुंचा दी आने वाले को। लोग समझते नहीं है कि यह कोई गुनाह है, याद रखिए यह गुनाह है। क्यों? इसलिए कि किसी भी दूसरे शख्स को बिला वजह तकलीफ पहुंचाना यह गुनाह है, गुनाह कबीरा, इज़ाए मुस्लिम गुनाह कबीरा है। अब एक चीज जहां रखनी थी वहां नहीं रखी गई बल्कि बेजगह उठा के रख दी और उसके नतीजे में दूसरा आदमी जो आया उसका वक्त उसका जाया हुआ, परेशानी उसको लाए कोई, तलाश करने की जरूरत उसको उठानी पड़ी और बाद अवकात फिर भी नहीं मिली। तो इस सारी तकलीफ का गुनाह उस शख्स के सर है जिसने वो चीज उठाकर अपनी जगह से बेजगह रख दी है। ये माशरत के आदाब हैं जो कुरान करीम ने भी सिखाए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तालीम दी है, दीन का हिस्सा है ये। आज लोगों ने दीन सिर्फ नमाज रोजे को समझ लिया कि नमाज रोजा और नफली इबादतें और अजकार और ये चीजें तो बेशक इबादत है, लेकिन किसी शख्स को राहत पहुंचा देना दूसरे को तकलीफ से बचाना ये कितनी बड़ी इबादत है, और इसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इस्लाम का शार करार दिया। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि, मुसलमान वो है जिसके जबान से उसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। तो इस वास्ते ये मुआशरत के आदाब में दाखिल है। जैसे मसलन आप गुजरखाने में है, एक मुश्तरक गुजरखाना है, उसमें लोटा एक खास जगह पर रखा जाता है, वहां से उठा के कहीं और रख दिया। साबुन किसी खास जगह रखा जाता है, वहां से उठा के रख दिया। तौलिया कहीं उठाकर बेजगह फेंक दिया। तो इससे ये गुनाह है, ये यानी सिर्फ यही बात नहीं कि बदअखलाकी है, गुनाह है ये। इस वास्ते कि दूसरे आदमी को तकलीफ होगी उसको तकलीफ पहुंचाने का गुनाह होगा। तो कुरान कहता है कि मौजू जगह पर रखे हुए मिलेंगे, हर चीज जगह पर रखी हुई मिलेंगी। वह नमारे को मसफूफा, और तकिए सब बसफ करके कितार अंदर कितार रखे होंगे, तकिए सब बसफ करके रखे होंगे।
यहाँ भी तालीम दी गई कि जब कोई चीज़ रखनी हो तो उसको सलीके से रखा जाए। हो तो ये भी सकता था कि भाई पड़े हुए अलर्ट अप, लेकिन कुरान कहता है नमारिको मसबूबा। देखो अल्लाह तबारक होता है कदम कदम पर हमको नज्म और जब्त की तालीम दी है। अब देखो अभी अब नमाज के लिए हम खड़े होंगे तो कितनी ताकीद फरमाई गई है इस बात की कि सफों को सीधा रखो, मोंडे से मोंडा मिलना चाहिए, टखने से टखना मिलना चाहिए, एक साथ खड़े हो। तो ये भी सकता था कि भीड़ जमा हो गई और सबने मिलकर पढ़ ली नमाज, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि लतुसबुहुन्ना बैना लतुसबुहुन्ना सुबुहकुम औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैना वुजूहिकुम, सफों को सीधा रखने का एहतमाम करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में तफरीक पैदा कर देगा। यानी अगर सब सीधी नहीं करोगे तो बिलाखिर मुसलमानों के दरमियान तफरीका होगा और उनके दरमियान निजात और इख्तलाफात होंगे, तनाजात होंगे। तो सब सीधा न रखने का एक बवाल ये होता है कि मुसलमानों के दरमियान तफरीका पैदा हो जाता। तो सीधा रखने का एहतमाम कर दिया और कुरान करीम ने इसको इतना पसंद करार दिया कि सूरह साफात इस पर नाजिल फरमाई, वो साफात सफन कसम है उन लोगों की जो सब बनाकर खड़े होते हैं, कसम खाई अल्लाह ने ऐसे लोगों। तो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नज्म और ज़ब्त की तालीम दी है कि हर काम में जब हम कोई काम करें और इस्तेमाल एक से ज्यादा अफराध हो तो नज्म और ज़ब्त के साथ करें, सब बनाएं और सब बनाकर काम करें। किसी जगह अगर आप गए हैं और वहां पर बहुत से लोगों को जाना है तो ये सुन्नत की तालीम है, कुरान की तालीम है कि सब बनाई जाए, लाइन बनाए जाए, लाइन के अंदर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया जाए। अब आदमी चाहते हैं कि लाइन तोड़ के किसी तरह आगे बढ़ जाऊं और मैं आगे बढ़कर अपना काम निकाल लूं, ये दूसरों को तकलीफ पहुंचाना है और इस तकलीफ पहुंचाने का गुनाह होगा उस शख्स जो ऐसा काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने कदम कदम पर हमें नज्म और ज़ब्त की तालीम, मगर अफसोस यह है कि जिस कौम के पास कुरान करीम के ये इरशादात मौजूद हैं, जिस कौम के पास नमाज की सब बंदी की ये तलकीन मौजूद है, जिस कौम के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं, वही बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा बदतज़मी का मुजाहरा करते हैं और जब ऐसा मौका आता है तो धक्का पेल एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना और धक्का एक दूसरे को धक्का देना, इसका अल्लाह बचाए मामूल बन गया है ये। और ये नहीं समझते कि ये गुनाह है, यहां तक कि मैं देखता हूं जब मुसाफा करने का वक्त आता है तो किसी आदमी से मुसाफा करना है, कोई मुकर्रर है, कोई किसी ने बयान किया कि या किसी से भी, तो भीड़ जमा है, अब वो एक दूसरे के ऊपर गिर कर उसके कंधों पर हाथ डालकर दूसरे के को धक्का देकर किसी तरह मैं मुसाफा कर लूं, ये इंतहाई बदनज़मी की बात है और गुनाह की भी बात। मुसाफा करना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है, लेकिन दूसरे को तकलीफ से बचाना वाजिब है। अगर फर्ज करो सारी जिंदगी मुसाफा ना किया कोई गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी एक शख्स को तकलीफ पहुंचा दी अपने मुसाफा करने की खातिर, उसके गर्दन पर हाथ मार दिया जिससे उसको तकलीफ हो गई, तो वो गुनाह ऐसा है कि तौबा से भी माफ नहीं होता जब तक कि वो शख्स माफ ना करे जिसको तकलीफ पहुंचाई गई है। तो मेरे भाई और अजीजों, कुरान और सुन्नत को जब हम पढ़ की जब हम कुछ हम पढ़ें और सीखें तो उससे निकलने वाले जो सबक हैं उनको सीखने की जरूरत है, उनके ऊपर अमल पैरा होने की जरूरत है। महज पढ़ लेना काफी नहीं है बल्कि उसको समझना जरूरी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहां पर हमने सब बसब तकिए भी रखे हुए हैं, वह जराबी यु मबसूसा और कालीन बिछे हुए हैं, यानी जहां रहाइश की जगह है वहां पर आला दर्जे के कालीन वहां पर अल्लाह ताला ने बिछाए हैं। ये छलका सा किसी झलक दिखाई है अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत के मनाजिर की, और हकीकत तो यह है कि जहां जहां कुरान करीम ने जन्नत के मनाजिर की झलक दिखाई है तो बस एक हल्की सी झलक दिखाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि
हकीकी मंजर तो इंशाल्लाह वहीं जाके नजर आएगा। और हदीस में यह फरमा दिया गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार की है, माला अइनुन रात, जो आज तक किसी आंख ने देखी नहीं, वला उजुनुन समियात, किसी कान ने सुनी नहीं, वला खतर आला कल्बी बशर, न किसी बशर के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। ऐसी नेमत है, अभी सोचा भी नहीं, ऐसी नेमत है। तो जब ऐसी नेमत है तो उनके क्या मंजरकशी की जाए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला उसकी छोटी सी झलक दिखाते हैं और उसके बाद आगे गुजर जाते हैं कि तुम क्या समझोगे उनको, क्योंकि उन नेमतों को अगर जबान से बयान किया जाए तो तुम्हारी समझ में भी नहीं आ सकती। लिहाजा जो समझ सकते हो उसके हिसाब से कुछ थोड़ी थोड़ी बता देते हैं अल्लाह मियां। तो वो इस तरह बताई है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए बताई है ताकि दिल में उसकी का शौक पैदा हो, उसकी रगबत पैदा हो, उस तक पहुंचने के लिए आदमी काम करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जो इस जन्नत तक पहुंचाने वाले हैं। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ तलकीन फरमाई है कि या अल्लाह मैं आपसे जन्नत मांगता हूँ और उस जन्नत की तरफ करीब करने वाले जो अमाल हैं वो अमल मांगता हूँ जो मुझे उस जन्नत से करीब कर दे। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह।